जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप लोगों को ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात लेकर आया हूँ। ये टॉपिक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। हर एग्जाम के लिए आपका चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या बैंकिंग हो, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ये आपका टॉपिक आपका एग्जाम में आता है। और ये टॉपिक उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मान कह सकते हैं ईजी और मॉडरेट आपका टॉपिक है। जाना थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको हर एग्जाम के लिए छोटा से छोटा यानी जीरो लेवल से हाई लेवल यानी बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताया जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसमें मान के चलिए 80 से 90% क्वेश्चन जो है प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में आपको आया हुआ है। सो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको हर चीज क्लियर में आएगा। इसलिए चलते हैं, हम लोग समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है देखिए, हम लोग देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात पहले समझते हैं रेशियो क्या है। रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। अनुपात दो सजातीय राशियों में तुलना करना ही आपका क्या होता है जी, रेशियो होता है। दो समान राशियों में तुलना करना ही आपका क्या होता है जी, रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। देखिए अनुपात, जैसे आपने एग्जाम्पल में ले लिया ए अनुपात बी, मैंने लिख लिया ए अनुपात बी बराबर 3:4, इसका मतलब क्या हो गया ए अनुपात बी बराबर 3:4। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी, अनुपात यानी रेशियो को हम लोग ऐसे अनुपात को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं जनरल। अगर ए अनुपात बी को मतलब लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 3:4 का मतलब क्या हो जाएगा जी, 3/4, इसका मतलब क्या हो गया जी, 4a बराबर कितना होगा जी आपका 3b हो जाएगा। चलिए यानी 4a बराबर 3b हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि a का 4 गुना और b का 3 गुना दोनों क्या है जी आपस में बराबर है। a का 4 गुना और b का 3 गुना दोनों आपस में क्या है जी बराबर है। और एक चीज और समझिए, रेशियो में किसी भी नंबर से अगर गुणा करोगे रेशियो में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखते हैं अगर 3:4 है, अगर इसमें 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6:8 हो जाएगा। अगर 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 3×3=9, 4×3=12। लेकिन रेशियो पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी 3:4 है, यहाँ पर भी 3:4 है, यानी किसी भी नंबर से अगर गुणा करोगे तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नंबर अगर जोड़ोगे घटाओगे तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल पर 3:4 है, अगर इसमें 1 जोड़ोगे, अगर इस दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं दोनों में, तो ये क्या होगा, 4:5 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। तो जोड़ने या घटाने पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन गुणा करने पर आपका रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि रेशियो आपका हाई क्या। चलिए और चीज देखते हैं, रेशियो जब भी आपको अगर मान लीजिए दशमलव में मिल जाए या भिन्न में मिल जाए तो सबसे पहले उसको इंटीजर में चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 1:2 और 1.2:1.5 अगर दिया है तो आपको इसको क्या करेंगे जी, इसको बदल आपका अनुपात हट गया, आपका जीरो आपका बटा में दस हो जाएगा। तो ये आपका क्या कटाएंगे, देखिए आपका 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी, 5 है। 4:5 क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, 4:5 आपका 5 हो जाएगा। तो जब भी आपका आपका डेसिमल में हो यानी दशमलव में हो तो सबसे पहले उसको इंटीजर में हम लोग चेंज कर लेंगे। या जो अगर भिन्न में दिया है, जैसे मान लीजिए 1/3 दिया है और 5/5 आपका 4 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में चेंज कर लेंगे। यानी क्या होगा जी, 4 हो जाएगा और पंक्तियां कितना होगा जी, 15 हो जाएगा। यानी 4:5 कितना हो जाएगा, 15 होगा। इस तरह चेंज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और चीज आए, रेशियो का जो क्वेश्चन होगा हम लोग क्वेश्चन को आपका ऑप्शन से बनाएंगे तो आपका जो बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास जरूर शेयर करें। और एक चीज और है जो आपका देख लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है @JKBCI, आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए और जो भी महत्वपूर्ण PDF होगा इस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है जी, क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया और बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया, तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम तरीका अलग हो गया और बेसिक से बनाना अलग चीज हो गया। तो मैं पहले आपको एग्जाम तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बेसिक से भी सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, ए अनुपात बी का मान 2:3 है, मतलब उस ऑप्शन को छाटो जिसमें ए अनुपात बी का मान 2:3 नहीं, उस ऑप्शन को छाटो, ऑप्शन छाटना सीखो। ए अनुपात बी का मान 2:3 अगर जिस ऑप्शन में नहीं है उसको छाटी है। यहाँ पर देखते हैं ए अनुपात बी का मान 2:3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 आपका यहाँ पर 10 है, 2:3 का भी संभव आपका नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 2:3 संभव है कि नहीं, 4×8=12 होगा। यहाँ पर 2:3 संभव होगा, नहीं संभव होगा, और यहाँ पर 2:3 संभव होगा। और दो ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया, ए और आपका सी। अब बस गया मेरा क्या जी, बी और आपका डी बस गया। अब आगे देखते हैं बी अनुपात सी का आपका 4:5 है, उस ऑप्शन को छाटो जिसमें बी अनुपात सी का मान 4:5 आपका नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 4:5 3 से कटाएंगे, 3×4 और ये आपका पंक्ति है, आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 4:5 क्योंकि 17 है, 17 का 4:5 संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर कर सकते हैं बी आपका क्या होगा जी, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम तरीका। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को हम लोग फास्ट करेंगे ये मैंने तरीका बताया। अब इसी तरीका से आप घर पर भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पता है कि समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए इसका बेसिक तरीका देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे रहा है और बी अनुपात सी बराबर आपका 4:5 दे रहा है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहली चीज समझते हैं कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालने के लिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालने के लिए जब भी आपको निकालना होगा, ये जो मिडिल टर्म है बी जो है बी मिडिल टर्म में होना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है जी, बी दोनों में कॉमन क्या है जी, बी है, तो ये आपका मिडिल टर्म में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। चलिए तो बी का मान यहाँ पर देखते हैं, बी का मान यहाँ पर आपका 3 है, तो क्रॉस गुणा करोगे इसमें 3 से गुणा करोगे और बी का मान इसमें कितना है 4, इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। समझिए बी का मान यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से गुणा किए उल्टा गुणा, और बी का मान यहाँ 4 है तो इसमें 4 से गुणा किए, तो कह सकते हैं जी 4 × 2 कितना हो गया 8, ए का मान 8 हो गया। बी का मान देखते हैं चढ़ती है 12, यहाँ पर भी बी का मान चढ़ती है 12, अगर नहीं आ रहा तो समझिए आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, पंक्तियाँ 15, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा जी 8:12:15, 8:12:15। आप ऐसे भी बेसिक से बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है कि आपका ए बराबर 1/3 बी और बी बराबर 1/2 सी। तो सबसे पहले ए अनुपात बी निकालते हैं, ए अनुपात बी निकालिए, यहाँ से बटा में बी जाएगा, ए अनुपात बी यानी 1/3, 1/3 मतलब क्या होगा कि 1:3, अगर इसको बटा में रखोगे तो क्या आएगा, ए अनुपात बी हो जाएगा और 1/3 यानी 1:3, और ये बी बटा में सी यानी बी अनुपात सी, मैंने आपको बताया है कि बटा में यानी ए अनुपात बी का मतलब 1/2 भी हो सकता है, तो बी बटा सी 1/2 यानी 1/2 मतलब 1:2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, उस ऑप्शन को छाटेंगे जिस ऑप्शन में ए अनुपात बी का मान 1:3 नहीं है, 1:3 ऑप्शन नंबर ए में आप नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि ए अनुपात बी का मान 1:3 आपका होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर इधर उधर ऑप्शन हो चुका है, थोड़ा देख लेते हैं ऑप्शन से बनाना होगा। तो चलिए सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन मेरा क्या है, सेकेंड ऑप्शन आपका 6:6:3:1 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ए अनुपात बी बराबर कितना था हमारा जी 1:3 था, और ये भी 1:3 नहीं होगा, ये भी गलत होगा, राइट आंसर क्या होगा 1:3:6,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा आया था, देख लीजिए आप यहाँ पर जो आया था ए अनुपात बी का मान 1:3 आया था, तो मेरा आंसर वही सही होगा जिसमें ए अनुपात बी का मान 1:3 है, जबकि यहाँ पर 3:1 क्या आइए 2 है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 6:3 है, जबकि होना चाहिए क्या आइए 1:3, यहाँ पर 2:4 है, मतलब 1:2, 6:3 का मतलब क्या हो गया 2:1 आपका 1 हो गया, लेकिन आपका होना चाहिए 1:2 का मान 1:3 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए अब देखते हैं इसको अगर बेसिक बनाना होगा तो बेसिक सम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे आपका बी का मान यहाँ पर 3 है तो 3 से गुणा करोगे, और बी का मान वहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा करोगे, बी का मान यहाँ पर 1 है क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है बी कॉमन है। चलिए 3:1 हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, और 3 × 2 कितना 6, यानी 1:3 क्या हो गया ये 6 राइट आंसर। ठीक है आपको, चलिए ठीक है देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो चुका है जाना, देखिए ये देखिए थोड़ा समझ आ जाए, मैंने बोला कि रेशियो को आपका जब भी रेशियो दिया है और डेसिमल में दिया है या आपका बीन में दिया है फ्रैक्शन में दिया है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे इंटीजर में जरूर चेंज कर लेंगे भैया ना, और हमारे लिए आसान होगा। और यहाँ पर 1:b / c बराबर 2:3:4 दिया है, और a बटा b a का मान कितना है, a का मान कितना है 2 है, और b का मान कितना है 3 है, 2/3 अनुपात b/c, b का मान 3 है और c का मान 4 है, अनुपात c/a, c का मान 4 है और a का मान कितना है 2 है, a का मान 2 है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे लघुत्तम निकाल लेंगे किसका, 3, 4, 2 हर का लघुत्तम लेंगे, हर का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा कितना आएगा 12, चलती है कितना आएगा 12, लघुत्तम लेंगे 3, 4, 2 का, यहाँ पर कितना होगा इसमें गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 4 × 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तितली का कितना होगा 9, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 × 6 का कितना होगा 24, यानी 8:9:24 आपका होगा राइट आंसर क्या होगा 8:9:24 राइट आंसर। ठीक है देखिए 8:9:24 यानी ऑप्शन नंबर क्या है ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, ए का 30% बी का 0.25 और सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखते हैं ए अनुपात बी, देखिए परसेंटेज है परसेंटेज पे सॉरी एक सेकंड, तो आपका 30% का मतलब क्या होगा 3/10 लिख सकते हैं, 30/100 करोगे, अगर 30/100 करोगे तो 1010 कटेगा, बराबर बी का 0.25 यानी 25/100 कितना होगा जी 100 लिख सकते हो, दशमलव के बाद 2 अंक ये हो जाएगा 25 × 100, हम ए अनुपात बी का मान निकालते हैं, ए अनुपात बी का मान क्या होगा देखिए, ए अनुपात बी का और क्रॉस गुणा करोगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा एक लाइन आपको बढ़ा देता हूँ, क्रॉस गुणा करोगे तो क्या होगा 12 ए हो जाएगा, और ये क्रॉस गुणा करोगे तो क्या आएगा जी ये आपका 10 बी हो जाएगा, लिख सकते हैं जी चलते हैं 12 ए हो जाएगा, ये 10 आपका हो जाएगा 10 बी हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना होगा जी 5 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर आपका क्या आएगा जी a/b बराबर 5/6 यानी 5:6, ए अनुपात बी का मान कितना आएगा 5:6, यानी उस ऑप्शन को छाटिए जिसमें ए अनुपात बी का मान 5:6 नहीं है, 5:6 नहीं है, तो देखते पहला ऑप्शन 5:6 है, हाँ जी यहाँ पर 5:24 है, जबकि ए अनुपात बी का मान कितना होना चाहिए 5:6 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 6:5 है जबकि 5:6 होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए 5:6 है हाय, क्योंकि 5 × 2 = 6 और दो ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन ए और बी उसमें चेक करेगा, अब हमको निकालना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा कि बी अनुपात सी का मान क्या होगा, बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी बी गुणा 25/100 में आपका 100 कर सकते हो बराबर सी का 1/5 का रस, सी का 1/5 तो हल करेंगे तो आपका क्या होगा 25 × 1/25 100 का हो जाएगा, यानी b/c करोगे भाई b/c करोगे तो 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे रहेगा, तो क्या आएगा जी 4:5 क्या आएगा 5, यानी उस ऑप्शन को छाटो जिसमें b/c का मान 4:5 नहीं है, तो दो ऑप्शन मेरे गलत हो चुका है बी और सी, अब बस ये क्या है ए और डी, तो देखते हैं इसमें आपका 6:4 मतलब 3:2 है, जबकि होना चाहिए क्या है 4:5, ऑप्शन नंबर ए गलत है, और यहाँ पर देख लीजिए 12:15 है मतलब 3 से गुणा किया चलती है 12 और पंक्ति है 15, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है जी
अगर बेसिक से बनाना होगा आप जो बना लीजिएगा, यहाँ पर बी अनुपात सी का मान रखकर बी का मान आपका 4 है और सी का मान कितना आइए 5 है, तो यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, सी से इसमें 6 से इसमें गुणा कर लीजिएगा, 4 से इसमें गुणा कर लेंगे और बेसिक से आपका बना सकते हैं। बेसिक से आप बना लीजिएगा है ना, लेकिन ऑप्शन से बनाना सीखिए कि आपका एग्जाम में क्या होगा, जिस समय जरूर बचेगा आपका। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 2:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या करें। इसमें आपका ऑप्शन से बहुत ही जल्दी बनेगा, नहीं तो बेसिक से भी बताऊंगा लेकिन इसमें थोड़ा समय आपका लगेगा। चलिए देखते हैं, उस ऑप्शन को छाटो जिसमें ए अनुपात बी का मान 3:4 नहीं है, उस ऑप्शन को छाटो जिसमें ए अनुपात बी का मान 3:4 आपका नहीं है। चलिए ए 3:4 है जी, देखिए तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं 5 लगुना किया 5 लगुना किया, ठीक है 3:4 है, यहाँ पर 3:4 बनेगा जी, नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा 3:4, 10 है 4 के पहाड़ में 10 अब कभी आएगा नहीं, यहाँ पर 3:4 बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि 4 के पहाड़ में 18 कभी आएगा नहीं, और ये 3:4 बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि आपका 5 है जबकि यहाँ पर 3 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो गया। यानी बहुत कम समय मात्र 2 से 3 सेकेंड में आप इसका 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से बनाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। समय बचाना, मैं बार बार टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन में अगर समय बचाएंगे तो इसी समय को हम लोग प्रेजल में यूज करेंगे, और इसी समय को जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा उसमें यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन देता है, एक इजी क्वेश्चन होता है, एक मॉडरेट होता है, मीडियम क्वेश्चन होता है, और एक आपका हार्ड क्वेश्चन होता है, बोल लीजिए हार्ड क्वेश्चन, तो जो भी समय हमारा बचेगा हार्ड क्वेश्चन में हम लोग समय व्यक्त करेंगे है ना, इजी क्वेश्चन को फास्ट बनाएंगे। चलिए देखते हैं, अब इसको हम बेसिक तरीका बताता हूँ, बेसिक तरीका भी जरूरी है, बेसिक जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का और मान दे दिया और टोटल दे दिया ए बी सी डी 4 मित्र है, टोटल 54,000 रुपये कमा रहे हैं, तो बताइए ए का कितना राशि होगा, ए का राशि के ए का हिस्सा कितना होगा, तो उस कंडीशन में आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपका ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, यानी ऑप्शन आपका ए अनुपात बी अनुपात सी डी का नहीं दिया रहेगा, इसलिए रेशियो निकालने आपका इस तरह से बेसिक भी निकालना सीख जाइए। चलिए ए अनुपात बी बराबर 3:4 दे रहा है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 दे रहा है और सी अनुपात डी बराबर 2:3 दे रहा है। देखिए हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, यह सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आपने ऑप्शन से बनाया बहुत इजीली बना, तो हो सकता है इस तरह से बनाओगे थोड़ा दिमाग बढ़ेगा बुझा ना, लेकिन हम लोग धैर्य बनाए रखिएगा, पहली दूसरी बार में आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आपको इजीली होगा बुझा ना। देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। देखिए हम लोग तो ए अनुपात बी बी अनुपात सी था तो क्या कह रहे थे, 4 यहाँ पर जिसमें 4 से गुणा और यहाँ बी का मान 5 है तो 5 से गुणा करें, लेकिन यहाँ पर 3 है, ऐसे काम नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर इसको गुणा करोगे, इसको लेफ्ट मैंने मान लिया, इसको राइट मान लिया, देखिए बहुत और तरीका है इसका बनाने का, लेकिन जो बेस्ट तरीका है मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि एक बार से दो बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी सीख जाओगे, यही सीखोगे। चलिए लेफ्ट को डायरेक्ट गुणा करो, 15 15 15 20 ये का वैल्यू हो जाएगा, ये किसका वैल्यू हो गया जी, ये का वैल्यू हो गया, और डायरेक्ट राइट को गुणा करो आपका कितना हो गया, 17 21 24, ये किसका वैल्यू हो गया, डी का, यानी शुरू वाला का यानी ए का वैल्यू और आपका डी का वैल्यू निकालना आसान है, ए का वैल्यू क्या है, लेफ्ट को गुणा करोगे तो ए का वैल्यू आएगा और राइट को गुणा करोगे तो आपका किसका वैल्यू आएगा जी, डी का वैल्यू आएगा। चलिए अब हमको चाहिए किसका वैल्यू, बी और सी का चाहिए, अब चाहिए बी और सी का वैल्यू, देखिए बी और सी का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, एक एक लेफ्ट छोड़ेंगे और राइट को पकड़ेंगे, देखिए मेरा हाथ को देखिएगा, मैंने कहा कि 5 का 20 20 2 के 40, ये आपका बी का वैल्यू हो गया, 5 का 20 इसमें गुणा करिएगा, यानी बी बी सी आपका बी का वैल्यू आएगा ना, और आपका बी सी सी बी सी सी
बी का वैल्यू निकालने के लिए डबल बी सी, और सी का वैल्यू निकालने के लिए सिंगल बी, और डबल क्या होगा सी होगा, यानी ऐसे गुणा करेंगे। अगर आपको बी का वैल्यू निकालना होगा, सी का वैल्यू निकालना होगा, तो सचों का 28, 28 दुनी 56, सचों का 28, 28 दुनी क्या होगा जी 56, सचों का 28, 28 दुनी 56, ये कितना किसका मान हो गया जी, ये आपका सी का वैल्यू हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। ए का वैल्यू निकालने का डायरेक्ट एलसीएम को गुणा करिए, पंक्ति 15, 15 दुनी 30। डी का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट आप सचों का 28, 28 किया 84। बी अनुपात सी, बी को निकालने के लिए सी के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर 4 गुना 5 गुना 2 करेंगे, ऐसे गुणा करोगे, देखिए ये ग्राफ देखिए, ऐसे गुणा करोगे तो आपका बी का वैल्यू आएगा, और इसमें गुणा करोगे 4 गुना 7 गुना 2 करोगे तो आपका किसका वैल्यू आएगा सी का आएगा। और रेशियो आपका न्यूनतम फॉर्म में होता है, रेशियो अपना हमेशा न्यूनतम फॉर्म, ऐसा नहीं कि 10:12 है तो आपका रेशियो जो होगा 5:5 क्या होगा जी 6 होगा। रेशियो हमेशा अपने न्यूनतम फॉर्म में होता है, ये दिमाग में रखें, मिनिमम फॉर्म में होगा। देखिए ये देख लेंगे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन वो 15 है, 30 है, 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटाओगे 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 28 हो गया, और ये कितना हो गया जी 42 हो गया। अब किसी पारा से कटेगा नहीं, देख रहे थे 3 से ये नहीं कटेगा, यानी रेशियो क्या आ गया जी 15:20:28:42। तो देखिए इस चीज़ को निकालने में हम लोग इतना समय लगा, लेकिन हम लोग यहाँ वो ऑप्शन से जो बनाए थे आपको, आपका 2 सेकेंड में ही हम लोग इसका आंसर निकाले थे। तो एग्जाम में देखिएगा अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछेगा तो ये बोरिंग फील हो गई, ये इस तरीका कहीं जो नहीं करेंगे, बोले जब जब जैसा तब तैसा ये करना चाहिए, बोलिए कॉम्पिटिशन अगर निकालना है ये दिमाग में रखिएगा, बुझे ना, इसका यूज कब करेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगा तब, अन्यथा इसकी इसकी जरूरत हमारे हमको नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। हो सकता है कि किसी किसी को यह थोड़ा सिर दर्द लग रहा होगा, बुझा ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ शुरू शुरू में कोई भी काम करोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाना शुरू शुरू में सीखा होगा तो उस कंडीशन में आपको 2-4 दिन आपको लगा होगा, बुझा ना, कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन 1 महीने के बाद आप क्या करते हैं जी पूरा मोटरसाइकिल को ऐसे ऐसे भगाते हैं, बुझा ना। इसी तरह मैथ में भी है, प्रैक्टिस का चीज़ है, बुझा ना, शुरू में थोड़ा मेहनत लगेगा, शुरू में थोड़ा और लगेगा, लेकिन हम लोग धैर्य बनाकर मेहनत करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ में भी हम लोग लहरिया कट मारेंगे, ये दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलते ए अनुपात डी, देखिए यहाँ पूछा ए अनुपात डी, ए अनुपात डी निकालने के लिए डायरेक्ट आप मैंने बताया एलसीएस को गुणा करोगे तो ए का वैल्यू आएगा, और डी का वैल्यू कैसे निकालेगा ये आरसीएस को गुणा करोगे, बस इस तरह से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। चलिए ए अनुपात डी निकालना, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 3:4, और बी अनुपात सी का वैल्यू आपका दे रहा है 2:5, और सी अनुपात डी का वैल्यू भाई दे रहा है 3:5 दे रहा है, पूछ रहा है ए अनुपात डी, यानी शुरू वाला लास्ट वाला, जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला, बस क्या करिएगा एलसीएस को गुणा कर दीजिएगा और आरसीएस को गुणा कर दीजिएगा, दोनों का रेशियो जो होगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। आप ये नहीं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जैसे आप निकाले हैं इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है, ये कब निकालेंगे जब ए बी सी डी का ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछेगा तब इस नियम का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ए अनुपात बी पूछेगा तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। आपको क्या होगा तित्री का 9 दुनी कितना होगा जी 18 हो गया, 50 25 25 चौका क्या होगा जी 100 हो गया, यानी 18:25 मतलब कितना जी 9:50 कितना हो गया 50, 9:50 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इजीली बनाएंगे, या ए अनुपात सी पूछेगा या ना, अगर ए अनुपात बी 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 अनुपात सी देखा और ए अनुपात सी पूछेगा तो डायरेक्ट एलसीएस को और आरसीएस को गुणा करके रेशियो आप इस तरह से निकाल, जब भी दिमाग में रख लीजिए शुरू वाला लास्ट वाला पूछेगा बस एलसीएस को गुणा करिए आरसीएस गुणा करिए रेशियो निकालिए आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर ए है, बी अनुपात सी बराबर इतना, और सी अनुपात डी बराबर इतना, डी अनुपात ई बराबर इतना, ए अनुपात ई पूछ रहा है। देखिए यहाँ भी आपका शुरू वाला और लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, शुरू वाला लास्ट वाला पूछा है, देखिए ए अनुपात बी का मान दे रहा है 5:9 दे रहा है, और बी अनुपात सी का मान दे रहा है 4:3 दे रहा है, और सी अनुपात डी का मान दे रहा है 2:3, और डी अनुपात ई का मान दे रहा है आपका 2:5। पूछ रहा है आपसे ए अनुपात ही बताइए, ए अनुपात ही, तो ए अनुपात ही निकालने के लिए देखिए शुरू वाला पूछ रहा है और लास्ट वाला पूछ रहा है,
भैया बीच वाला पूछेगा तो हम लोग इसको बनाएंगे जाना, नहीं तो आपको डायरेक्ट एलसीएस को और आरसीएस को गुणा करिए। आप गुणा करने से करिए या इसको कटा भी सकते हैं, कटने वाला होगा इधर आपके रेशियो की, इधर रेशियो को उधर गुणा करोगे तो बड़ा नंबर होगा, कटा लोगे तो और इजीली हो जाएगा। इधर पाँच है, इधर पाँच है, पाँच से पाँच कैंसिल हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। चार दुनिया आठ, आठ दुनिया कितना होगा जी, सोलह हो गए। यहाँ पर उनतीस, सत्ताईस, सत्ताईस से क्या हो गया इक्यासी, यानी सोलह अनुपात इक्यासी, सोलह अनुपात इक्यासी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी। राइट आंसर क्या होगा, बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका आठ देखिए, इसमें क्या किया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई पूछ दिया आपने, आपको यहाँ ये पूछा है। और आपका क्या दिया है, ए बी का मान, ए अनुपात बी का मान दिया है, बी अनुपात सी का दिया है, सी अनुपात डी का दे रहा है और डी अनुपात ई का दे रहा है। कुछ नहीं करिए, बस ऑप्शन से, ऑप्शन से आप इसको बनाइए, यानी ऑप्शन से बनाइए इसको, यानी इजिली आपका बनेगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, जाना एक सेकेंड थोड़ा देखते हैं, जाना ये ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन से देखिए, ए उस ऑप्शन को छाटिए जिसमें ए अनुपात बी का मान एक अनुपात दो नहीं है, उस ऑप्शन को छाटिए जिसमें ए अनुपात बी का मान एक अनुपात दो आपका नहीं है। देखते हैं पहला अनुपात रेशियो एक अनुपात दो है, ये कभी होगा, अठारह दिन छत्तीस होना चाहिए, अठारह अनुपात तीस है, गलत है ऑप्शन नंबर ए। ये तीन एक अनुपात दो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक अनुपात दो, ठीक है ये राइट, यहाँ पे भी एक अनुपात दो राइट, यानी एक ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं बी अनुपात सी का मान कितना होना चाहिए, तीन अनुपात चार होना चाहिए। देखते पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन देखते हैं तीन अनुपात चार है जी, हाय तीन दूनी और चार दूनी हो गया, तीन अनुपात चार हाय हाय, तीन अनुपात चार है यहाँ पर जी, बारह तिया बढ़ चौक अंतर हाय, ठीक है ऑप्शन बहुत सटीक है। अब चलते हैं सी अनुपात डी का मान दो अनुपात तीन है, सी अनुपात डी दो अनुपात तीन, देखिए यहाँ पर दो अनुपात तीन है आपका, दो अनुपात तीन है जी, सी अनुपात डी का मान दो अनुपात चलो कितना ये दो अनुपात तीन है, जबकि यहाँ पर आठ अनुपात दस है, चार अनुपात पाँच है, ऑप्शन नंबर सी क्या है गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, दो अनुपात तीन है जी, दो अनुपात तीन है, क्यों चार दुनिया आठ चढ़ती है बारह, यहाँ पर देखते हैं दो अनुपात तीन है जी, नहीं होगा, पचास है कभी दो अनुपात तीन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी आपका बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। ये सबसे आसान तरीका होगा, ऑप्शन से बनाओ, नहीं तो बेसिक से बनाओगे तो आपको दो मिनट समय लगेगा, झुटमुट का आपका समय बर्बाद होगा, रिजल्ट भी आने की संभावना कम होगा, इसलिए भाई आप इसको ऑप्शन से बनाइए। और हमारे वनडे जो एग्जाम है जाना उसमें आपका ऑप्शन जरूर मिलेगा, चार ऑप्शन रहेगा। चले अगर इसको बेसिक से बना रहे हैं तो बेसिक से देख रहे हो, एक अनुपात ए अनुपात बी बराबर एक अनुपात दो और बी अनुपात सी बराबर, अगर बेसिक से बात करेंगे तो ठीक है दोस्तों, ए अनुपात बी का इतना, बी अनुपात सी दिया है आपका तीन अनुपात चार दे रहा है, और आपका सी अनुपात डी दे रहा है आपका दो अनुपात तीन दे रहा है, और डी अनुपात ई दे रहा है आपका कितना ये आपका तीन अनुपात चार दे रहा है, तीन अनुपात चार है, वही आपका रूल अपनाएंगे भैया ना, इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा समय लगेगा बार बार मैं बोल रहा हूँ। चलिए शुरू आपका देखिए, एलसीएस को और आरसीएस को गुणा करेंगे, शुरू वाला आएगा एलसीएस को गुणा करोगे और आरसीएस को गुणा करोगे लास्ट वाला आएगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना है। चलिए गुणा करते हैं एलसीएस को, एक गुना तीन तीन, तीन दून छः और छत्तीस अठारह, यानी यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया। डी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, आरसीएस गुणा करिए, चार दूनी आठ और त्रिका चौबीस और चौबीस चौका छियानवे, चौबीस चौका कितना होगा जी छियानवे हो जाएगा। देख लीजिए एलसीएस को गुणा किया यहाँ पर लिखा, आरसीएस गुणा किया यहाँ पर लिखा, यानी ए अनुपात ई आ गया, ए अनुपात ई आ गया। अब हमको चाहिए बी सी और डी चाहिए, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए मेरा हाथ पर देखिएगा, बी ये ऐसे गुणा करेंगे बी सी सी डी, ऐसे देखिए बी सी बी बी सी डी बी बी सी डी, मतलब दो गुना तीन छ, छ छ दूनी बारह और बारह तिया छत्तीस, बारह तिया कितना हो गया छत्तीस, देखिए दो गुना तीन छ, छ दूनी बारह, बारह तिया छत्तीस हो गया। या आप देखते हैं अब हमारा सी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे गुना करिएगा बी गुना सी गुना डी, बी गुना सी गुना सी गुना डी, मतलब क्या जी चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह और सोलह तिया कितना हो गया जी अड़तालीस हो गया, सोलह तिया कितना हो गया जी अड़तालीस, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह तिया अड़तालीस। अब हमको चाहिए वैल्यू किसका चाहिए जी, अब हमको वैल्यू चाहिए आपका, चलिए देखते हैं अब हमको वैल्यू चाहिए किसका, डी का चाहिए। डी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, बी गुना सी गुना डी गुना डी, बी गुना सी गुना डी गुना डी, मतलब चार दुनिया आठ, चार दुनिया आठ, आठ आठ त्रिका चौबीस
और 24 तिया कितना हो गया ये 72, 24 तिया क्या हो गया 72 हो गया। ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अनुपात, ये हो गया। देखिए कितना बोरिंग हो रहा है, होगा बोरिंग, और इस तरह से बनाओगे तो आपका बोरिंग अब भाई होगा जाना। चलिए देखते हैं इसको किस पारा से कटता है आपका, देखते हैं चार से कटेगा नहीं, छः से देखते हैं, छः से कटेगा ये, देखिए आपका तीन हो जाएगा, आपका सच्चाई का 36 हो जाएगा, और ये 48 होगा, बढ़चक 72 हो जाएगा, और 16 का कितना होगा 96 होगा, यानी 3:6 6:8 8:12 16। देखिए ऑप्शन से हम लोग आसानी से सॉल्व किए थे, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन बनेगा बुझाना, इसी में आप बढ़ाएंगे जब इस तरह क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाकर रखेंगे। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी आपका दे रहा है 2:9 और 1:3 रेशियो में, कट जाएगा ये आपका 3 का 9 हो गया, 2:3:1 मतलब क्या आ गया ये 2:3, और उस ऑप्शन को छाटिए जिस ऑप्शन में ए अनुपात बी का मान 2:3 नहीं है, यहाँ पर 2:3 है ये हाय, यहाँ पर 2:3 है, यहाँ पर भी 2:3 है, देखिए यहाँ पर आपका 8 × 16 = 24। आगे देखते हैं बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का वैल्यू देखते हैं 7 × 7 = 14 मतलब कितना होगा ये 4:5 कितना आएगा 5, 4:5। देखिए यहाँ पर एक चीज और है, नॉन ऑफ दीज है, कोई नहीं है, और हो सकता है रिक्शा है, इसलिए आप इसको बना लेंगे तो बेटर होगा, रेसिक्स बना लेंगे तो बेटर होगा। बी अनुपात सी का वैल्यू देखते हैं 4:5 यहाँ पर भी है, 6 × 6 = 6 होगा और 6×5 है, यहाँ पर देखते हैं ये 4:5 नहीं है, ये 4:5 नहीं है, और यहाँ पर 4:5 है, 3 × 3 = 5 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर दे रहा है डी अनुपात सी, हम लोग सी अनुपात डी चाहिए निकालेंगे, क्योंकि मैंने बोला था मिडिल टर्म ऐसे होना चाहिए बी बी सी सी। चलिए इसको कटाएंगे 5 × 5 = 10, और पास है 7:1 कितना होगा 6, तो डी अनुपात सी 7:6 है, तो ये क्या आएगा 6:7 आएगा, यानी सी अनुपात डी और क्या आएगा 6:7 आएगा, और हमसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें, और देखते हैं सी अनुपात डी का मान 6 है, आपका 6:7 है कि नहीं, यहाँ पर 6:7 है जी, 6:7 देखिए यहाँ पर 6:7 आपका है कि नहीं जी, 6:5 6×5 और 7×5 यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा ये राइट आंसर होगा, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह से सॉल्व करेंगे समय बर्बाद होगा और कुछ होगा नहीं, ऑप्शन से बना लो बढ़िया रहेगा, यानी इस तरह से मैं बताया इसको आप बना लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:11 दिया है, और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21:33 सवाल दे रहा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए। ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई साहब ऑप्शन से बनाओगे तो बहुत इजीली बनेगा, चलिए उस ऑप्शन को छाटो जिसमें 4:7:11 नहीं है, किसका वैल्यू जी ए अनुपात बी अनुपात सी का, देखिए 4:7:11 है ये नहीं है, 18 चुकी है, 4 के पारा में मिलेगा नहीं, 4:7:11 चूंकि यहाँ पर 22 है, 7 के पारा में आपको मिलेगा नहीं, चलिए 4:7:11 मिलेगा ही, 3 × करोगे 34 × 12 = 36 × 21 = 33 ये हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं 4:7:11 आपका ये 18 है, ये 7 आपका जाएगा, 7 × 14 ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन से होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आपका राइट आंसर होगा, सबसे आसान होगा ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा, नहीं तो आप बेसिक से बनाओगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:11 और आपका बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर आपका 21:33 कितना ये 44 है। चलिए अगर आप बेसिक से अगर बनाते हैं, देखते हैं बेसिक से मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन से बनाइएगा आप लोग, ऑप्शन से बनाइएगा, दोनों कॉमन बी भी है और सी भी है, किसी एक को उठाइए, जो अभी दो कॉमन आएगा किसी एक कॉमन को उठाकर क्रॉस गुणा कर दीजिए, यहाँ बी का वैल्यू 7 है इसमें 7 से गुणा कर दिया, और यहाँ बी का वैल्यू कितना 21 है इसमें 21 से गुणा कर देंगे, चलिए 7 × 7 = 21 मतलब यहाँ एक है यहाँ पर 3 है गुणा करिए, चलिए निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना है ना ये, चलिए गुणा करिए 34 कितना होगा 12, ये 70 का कितना होगा जी 21 होगा, और 11 कितना होगा 33 होगा, अब गुणा करिए 21 से कम 21 बी का वैल्यू 33 से कम 33 और 44 से कम कितना होगा जी 44, यानी 12:21 21:33 44। ठीक है इसको देखिए आपका पूछ रहा है ए बी सी ए 1:3:2 दे रहा है,
और आपका यहाँ पर दे रहा सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 1:2:3 दे रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई पूछ रहा है। बस आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से बनाइए, उस ऑप्शन को छाटिए जिस ऑप्शन में ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:3:2 नहीं है उसको छाटिए। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं 1:3:2 है, 1:3:2 नहीं है, यहाँ पर देखते 1:3:2 नहीं है और यहाँ पर 1:3:2 नहीं है, ऑप्शन नंबर एक जो हो गया क्या जी राइट आंसर हो गया। आई होप मैं थी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ए बी से देखता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद टाइप टू आपका कॉलम लोग देखेंगे। ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है, 40% का मतलब क्या होता है जी 2/5, जब 2/5 20% मतलब 1/5 तो 40% का मतलब क्या होगा जी 2/5, मतलब आपका 2 अधिक है, क्योंकि कह रहा है कि आपका अधिक है, चलिए अधिक कह रहा है, चलिए 2 अधिक है, देखते हैं आगे, चलिए ठीक है। चलिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी हम देखते हैं, आपका कह रहा है कि ए जो है बी से, ए जो है बी से अधिक है, मतलब बी का वैल्यू अगर 5 होगा तो ए का वैल्यू कितना होगा 7 होगा, बी का वैल्यू अगर 5 होगा तो ए का वैल्यू 2 अधिक है, मतलब कितना होगा 7 हो गया। क्वेश्चन ए अनुपात सी पूछ रहा है, चलिए बी अनुपात सी का वैल्यू निकालते हैं, बी सी से 20% कम है, तो 20% कम है मतलब क्या होगा जी 1/5 कितना होगा जी 5, माइनस होगा क्योंकि कम है तो माइनस होगा, मतलब सी का वैल्यू अगर 5 होगा तो ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा जी 4 होगा, क्योंकि 20% कम है, इसका सी का वैल्यू 5 होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, हमको निकालना है ए अनुपात सी। मैंने बताया हूँ जब भी आपको शुरू वाला लास्ट निकालना होगा, शुरू वाला लास्ट निकालना होगा डायरेक्ट LCS और RCS को गुणा करो, यानी 100 की आवाज 28 और ये 50 की आवाज 25 हो गया, यानी 28:25 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप टू आपका है, या कल हम लोग टाइप टू पर बात करेंगे, और आप आज हम टाइप वन तक छोड़ते हैं, और अभी तक तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ आप सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।